होंठ बंद। संगत जी, असी भारत के लोग अपने दिमाग का 1% भी उपयोग नहीं करते। 1% असी पंजाब चो एक नवा मिशन चलाना है, बच्चों 10% IQ लेवल तक लैके जाना। 10% पंजाब सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता, सारे वर्ल्ड को। पंजाब की खासियत की है? पुरुषार्थ करना, किसी के अगे हाथ नहीं फैलाना, ये बहुत बड़ी गल है। जो तुहाड़े गुरुआं ने तुहानू बख्शीश दित्ती है उन्हूं तुसी पढ़ो, वो की कह रहे। पुरुषार्थ करो, किसी के अगे हाथ नहीं फैलाना, नाल वंड चखो। यह सारा तो वड्डी तालीम है कि दुनिया च कोई भुक्खा नहीं रहना चाहिए। तुहानू पता है हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं, इन्नी गरीबी है। तो गरीबी के चक्री को तोड़न करके सानू की करना पेगा? प्रकृति नाल प्यार करना पेगा। हुण सारा पानी आया, सारा बह गया, अरबा रुपया का खरबा रुपया का पानी असी लुटा दिता दुनिया। अगले 10 साल सानू बड़ी मेहनत करनी है, 10 साल बच्चों के IQ लेवल पर। इस टाइम की हो रहा हिंदुस्तान के अंदर, IIT करता है बच्चा, 1 करोड़ तो गवर्नमेंट का खर्च होता है, 1 करोड़ मतलब तुहाड़ा सारा टैक्स का पैसा। एक बच्चे का हक खाता है, और IIT करने तो बाद कहता मैंने तो दरोगा बनना, पुलिस का लोगों के सिर फाड़ने, किसानों के। ये मजाक चल रहा है, ये डेमोक्रेसी का मजाक है। तो पंजाब है, पंज आब, इसकी पवित्रता ग्रहण करो और नाल समझो जीवन का उद्देश की है। बाबा बुल्ले शाह की कह रहे हैं, दुनिया है चल चली ता मेरा, दुनिया ठाकर मंदिर द्वारा, ठाकर मंदिर द्वारा, ना जाने किस रूप के अंदर तुझे मिले प्रीतम प्यारा। ग्राहक न देखे सांझ सवेरा, मौत न देखे दुनिया।
कितनी कहानी है। अगर तुसी इस धरती से 100 साल जिए तो, वैसे WHO कह रहा है कि भारतीय इंसान की उम्र 68 साल, चलो गुरु महाराज की बख्शीश हो गई 100 साल जिए, 1 साल के 365 दिन, 100 साल के 36,500 दिन है, अद्धा जीवन तो थोड़ा खाना पीना सोना बैठना उठना इस गया, बच्चे 18,250, इतने 3 पार्ट करो बचपना जवानी बुढ़ापा 6,085 दिन की जिंदगी है। असी सिख बन गए 125,000 भेक लड़ाओ, चिड़ियों को मैं बाज बनाओ, फिर गुरु गोबिंद कह रहे। जब सनातन संस्कृति नष्ट हो रही सी तो 5 प्यारा के बलिदान से पंथ खड़ा होया, साढ़े वड्डे वीर हो तुसी, भले उम्र कोई छोटा हो, मैं तो छोटे बच्चे भी अपना वड्डा वीर मनता, कि साढ़े वड्डे वीर हो तुसी, सारे परिवार के वड्डे बच्चे सिख बनते सी। इस गल नूं गहराई नाल समझो, मैं इत्थे घूम रहा पंजाब नूं नवे तरीके नाल देख रहा, मैंने 10 बच्चे तो 7 बच्चे मौने दिखते, 7 बच्चे एवरेज 70%, ये बड़ी विचार की गल है, सोचने की गल, चिंतन परक गल है। मैं रिसर्च स्कॉलर हाँ, हर चीज़ नूं नवे तरीके नाल वेखदा। हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम माता बहनों पंसारी तो ज़्यादा दवाई की दुकान खुल चुकी है, पंसारी तो ज़्यादा, पंसारी मतलब किराने वाला, उस तो ज़्यादा दवाई की दुकान खुल चुकी है, हर बंदा बीमार है। क्यों बीमार है? ये मेरी सर्च का कारण है। हिंदुस्तान के 99% लोग भोजन चबाते नहीं, निकलते मगर मच्छा लिखा, परमात्मा ने उसकी आदत के अंदर जो घुमाव दिता वो घुमा के रस बना लेता है। साड़ी आता जो घुमाव नहीं है, साड़ा सारा खेल मूँह के अंदर है। ये जरा तुसी अन्न खा रहे हो, मैं यही कहना, मेरी यही लड़ाई है। पैसे ना तुसी गेहूँ खरीद सकते हो, पैदा नहीं कर सकते, पैदा करन करके धरती पुत्र बनना पैदा है। सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ में झेलता है, एक ही कण ये वस्तु भी नहीं, मैं असी 25 रुपये 30 रुपये गेहूँ बेच रहा है, ये तो वस्तु भी नहीं, मैं है कोई एक दाने की कीमत दुनिया च कोई नहीं दे सकता। इस गल नूं समझो, परमात्मा ने वो बख्शीश की है सानू, ये जल बह गया साड़ा, असी की कीता। ए संत समागम है, संत का मतलब है सत्य का पथिक, तुहानू दसे कि 20 साल बाद की दृश्य उभरेगा, ए लिख लो तुसी, अगर ए चलता रहा 20 साल तो बहुत लंबी म्याद है, 10 साल तो बाद इस धरती ते एक बच्चा भी स्वस्थ नहीं मिलेगा, सारे बीमार। तो मेरी बेनती है आप सब के चरण, बच्चे नूं भोजन करन सिखाओ प्रसन्नता नाल, जब भोजन करें चंगा हाथ धुआओ, नाखून साफ कराओ, और कि भाई 32 बेर तो चबाना है हर बाइट में घट्टो घट, और कोई TV मोबाइल बातचीत कुछ नहीं, सिर्फ भोजन करो, फिर वेखो 90% बीमारियाँ खत्म, 90% लिख लो। मेरे बच्चे छोटे बच्चे तुम ध्यान नाल सुनना, तुसी अपने बेटकों भी सिखाना कि एक बाबा आया सी हर्षानंद कहता सी कि 32 बेर चबाओ, अब चबा के बैठो, थोड़ा IQ लेवल चेक करना, 100 चो 100 नंबर आने, 100 चो 100 नंबर। अपने राम सिंह वीर जी बैठे तो ट्रेनिंग स्कॉलर ही हैं, शिक्षा विभाग के अंदर काम करते, डेरे में भी संचालित करते, बड़ी मेहनत करते रात दिन। तो इन्होंने कहा कि बाबा जी अगर आदेश करेंगे तो मैं तुम्हें सारे इलाके के अंदर स्कूल लैके जावांगा। मैं बाबा जी के चरणों में बेनती की थी, मैं आके राम सिंह जी कह रहे थे, कहते बिल्कुल मिल रुल के काम करो, बच्चा तो काम करना ही है, उन्होंने तो योग की बड़ी जरूरत है। ये बल्ले ही गल हो बाबा जी ने गाड़ी च। तो मेरी बेनती है बच्चा कि भोजन चबा के करो, और अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी पियो, 5%, क्योंकि 5 तत्व ही बैलेंस करता है पानी। 72% इस सौर मंडल पानी है, 72% समझो इस गल, ये जो 5 तत्व हैं इस 72% पानी का खेल है। ये जल रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस मज्जा अस्थियां ऊर्जा वीरे वीरे रज संघात का सारा जन्म है, वही अग्नि बन जाएगा, वही सूर्य महाराज अपने को लैके जाएगा, फिर एक एक बूंद वापिस भेजेगा। ऐ योग है, हाथ पे लिलाने का नाम योग नहीं है,
तो मेरी सारा दे चरणा च बेनती है असी पंजाब नू निरोग पंजाब बनाइए। बाबा जी की आज्ञा हुई है हर्षानंद मिशन निरोग पंजाब चलाओ। हर बच्चे दे अंदर जिहड़ी शक्ति है उहदा आई क्यू लेवल खोलो, उन्हां नू बीमारियां तों बाहर कढ़ो, एक स्वस्थ मानव नू लाओ, पूरा मानव, अद्धा मानव नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर सारे महापुरशां दी बाणियां नू स्थान दिता गया है, पर गुरु महाराज कह रहे मैं तो अधम हाँ, मैं तो नीच तो नीच हाँ, दासां दा भी दास हाँ। इन्नी वड्डी अहंकार की सेवा, मतलब अहंकार नू चरणां च पा दिता उन्होंने, दास बन गए। तुसी उन्होंने समझा कबीर साहब की कह रहे हैं। कबीर साहब ने बहुत वड्डा संदेश दिता है, गुरु गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश दे। गुरु महाराज आए गए देखो, ये तन विष की बैलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, मात पिता मिल जाएंगे लख चौरासी माई, गुरु की ऐसी बंदगी फिर मिलेगी ना। आप सब दे भागी नू बधाई है, ऐ जे गुरुआ दे दर्शन होने तुहानू है। तो चलो ऐ हुण जांदे जांदे मतलब अपनी वाणी पूरा करन करके आखिरी संदेश तुहानू देना, संत दुआरे आया नी और जोड़िया दोनों हाथ। दृश्य देख लो, बाबा जी आए, बाबा जी ने दोनों हाथ जोड़े तुहाड़े सामने, संत दुआरे आया नी और जोड़िया दोनों हाथ, अजी जोड़िया दोनों हाथ रे भाई करे ज्ञान की बात। और ज्ञान दी सत्संग तुहानू मिलेगा, अमृत बरसेगा, बाबा जी निहाल करेंगे संगत में। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।